नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज दो सीटों पर उपचुनाव के लिए लोगों ने डाले वोट। बिहार में 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का सीएम ने किया उद्घाटन। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने बेगूसराय के इस व्यक्ति के लिए की खास अपील। मंत्री जी ने नीति आयोग से की खास मांग। बिहार में इस बार खूब सताएगी ठंड। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज दो सीटों पर उपचुनाव के लिए लोगों ने डाले वोट। बिहार विधानसभा की दो सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान में आज उपचुनाव हुए। इस दौरान सुबह के 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया दोनों सीट पर देखने को मिली थी। इस दौरान तारापुर सीट पर सुबह से ही महिलाओं की भीड़ ज्यादा दिखी। यहां 406 बूथों पर शाम के 4 बजे तक ही मतदान हुए। वहीं सुबह में ठंड की वजह से वोटरों में उत्साह कम देखने को मिला। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 9 बजे तक दोनों सीटों पर औसत 5% मतदान हो सका था। हालांकि बाद में वोटरों की संख्या बढ़ती दिखी। बताते चले कि तारापुर में 52 बूथों को प्रभावित मानते हुए यहां बीएसएफ जवान भी तैनात रहे थे। वहीं कुशेश्वर स्थान में भी सड़क पर गश्ती के साथ साथ नाव से भी 30 नाव को भी निगरानी पर लगाया गया था। बताते चले कि मतदान प्रक्रिया को प्रशासन द्वारा सुरक्षित माहौल में कराया गया। वहीं टोल फ्री नंबर किसी भी तरह की शिकायत करने के लिए जारी किए गए थे। बिहार में 4 जिलों में 6 नए कोरोना संक्रमितों की हुई पुष्टि। बिहार में ताजा आंकड़ों में कोरोना के एक्टिव मामले थोड़े बढ़े हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के 4 जिलों से कुल 6 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसके तहत सारण जिले से सबसे ज्यादा 3 मरीज मिले हैं, जबकि मधुबनी, रोहतास और समस्तीपुर से 1-1 मरीज की पुष्टि हुई है। इस दौरान 7 मरीज इस बीमारी से ठीक भी हुए, जिसके बाद राज्य में कुल एक्टिव मामले 44 पर पहुंच गए हैं। वहीं रिकवरी दर 98.66% पर रही। बिहार में 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का सीएम ने किया उद्घाटन। राजधानी पटना को एक और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात मिली है, जिसमें इमरजेंसी आईसीयू, कार्डियोलॉजी, कैथ लैब और हृदय रोगियों के लिए सीसीयू, ओटी, न्यूरो सर्जरी, हृदय रोग की सर्जरी, डायलिसिस, नेफ्रोलॉजी, मेडिसिन और गैस्ट्रो विभाग से जुड़े ओपीडी और इंडोर समेत सभी सुविधाएं रहेंगी। इस मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का नाम जयप्रभा मेदांता अस्पताल है, जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दोपहर में किया। बताते चले कि इस नए नवेली अस्पताल में ओपीडी की सेवा पहले ही शुरू हो चुकी है, लेकिन उद्घाटन होने के बाद अब सोमवार से इंडोर सर्जरी समेत अन्य महत्वपूर्ण खास बात यह है कि हार्ट पेशेंट मरीजों को यहां वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलेगी, जिससे कि बिहार के लोगों को यहां से बाहर दूसरे राज्य इलाज के लिए जाना नहीं पड़ेगा। फिलहाल यहां 48 आईसीयू बेड तैयार है और 330 बेड पर इलाज की सुविधा होगी, जिसके बाद इसे बढ़ाकर 500 कर दिया जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री समेत अन्य कई मेहमानों ने शिरकत किया था। ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान में अनुकूलन सह अधिष्ठापन कार्यक्रम आगाज 2021 का हुआ आयोजन। ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान में शुक्रवार को अनुकूलन सह अधिष्ठापन कार्यक्रम आगाज 2021 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के निदेशक डॉ एस सिद्धार्थ तथा कुल सचिव श्री उपेंद्र कुमार और पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त दीप प्रज्वलित कर किया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए संस्थान के निदेशक डॉ एस सिद्धार्थ ने संस्थान के छात्र छात्राओं के एकेडमिक करियर और जीवन में सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुशासन के साथ संस्थान में अपने समय के संचालनात्मक सदुपयोग करने का सलाह भी दिया। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन और संयोजन डॉक्टर प्रीति सिंह ने किया। साथ ही उन्होंने संस्था में संबंधित एक विस्तृत पावर प्वाइंट एवं वित्त चित्र की प्रस्तुति दी। सीआईएससी बोर्ड ने 10वीं 12वीं टर्म 1 परीक्षा को लेकर जारी किए निर्देश। बिहार के वैसे स्टूडेंट्स जो आईसीएसई 10वीं और आईएससी 12वीं बोर्ड में पढ़ रहे हैं, उनके लिए अहम सूचना। सीआईएससी बोर्ड ने 10th और 12th टर्म 1 परीक्षा 2022 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 10वीं सेमेस्टर 1 की परीक्षा 29 नवम्बर से शुरू होगी और 16 दिसम्बर तक चलेगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 22 नवम्बर से शुरू होगी और 20 दिसम्बर तक चलेगी। निर्देश के मुताबिक स्टूडेंट्स को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना होगा और कम से कम परीक्षा शुरू होने के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पहले एग्जाम सेंटर पर रिपोर्ट करनी होगी। वहीं लेट पहुंचने वाले छात्रों को सुपरविजन में लगे एग्जामिनर को उचित वजह बतानी होगी। बताते चले कि एडमिट कार्ड परीक्षा से सप्ताह भर पहले जारी किया जाएगा। बिहार में इस बार खूब सताएगी ठंड। सूबे बिहार में साल 2017 की तरह इस साल ठंड खूब सताने वाली है। मौसम विज्ञानियों ने अभी से ही इसको लेकर आशंका जताना शुरू कर दिया है और संभावना जताई गई है कि दिसंबर की अपेक्षा इस बार जनवरी और फरवरी के महीने में सूबे में कोल्ड डे और कोल्ड नाइट की संख्या में इजाफा होगा और शीतलहर का प्रभाव लंबे समय तक बना रहेगा। मौसमविदों के अनुसार ला नीना के प्रभाव से उत्तर पूर्व एशिया में संभावित मौसमी बदलाव का असर बिहार सहित देश के कई राज्यों में दिखेगा। बताते चले कि फिलहाल
अक्टूबर महीना समाप्त हो रहा है और इससे सप्ताह भर पहले ही पटना समेत कई जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आ रही है। खासकर रात के वक्त लोगों को ठंड का एहसास अधिक हो रहा है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने बेगूसराय के इस व्यक्ति के लिए की खास अपील। टीवी के सबसे फेमस शो कौन बनेगा करोड़पति में इन दिनों बिहार के बेगूसराय जिले का एक मुद्दा छाया रहा। दरअसल बेगूसराय के रहने वाले सौरभ, जो फिलहाल एक बैंक अधिकारी भी हैं, वो केबीसी के मंच तक पहुंचने में सफल हुए और जब सौरभ वहां पहुंचे तो अपना दुख बच्चन साहब के सामने बयां कर दिया। दरअसल सौरभ के पिता बेगूसराय निवासी चंद्रशेखर सिंह एक सुदखोर महाजन के डर से 7 साल से लापता है। ये बात जानने के बाद खुद अमिताभ बच्चन ने मंच से उनके लौट आने की अपील की और सौरभ की उपलब्धि के बारे में बताया। बताते चले कि बेगूसराय के सौरभ ने केबीसी में 13 सवालों का सही जवाब देकर 25 लाख रुपए जीत लिए हैं। गया के छात्रों ने तैयार किया हवा की नमी से पानी बनाने का प्रोजेक्ट। अब हवा की नमी से भी पानी बनाया जा सकेगा। जी हां, आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि यह कमाल अपने बिहार के ही गया जिले के छात्रों ने कर दिखाया है और खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने स्वीकृति भी दे दी है। जानकारी के मुताबिक जिला स्कूल गया के शिक्षक डॉक्टर देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में अटल टिंकरिंग लैब के बच्चों द्वारा वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस प्रोजेक्ट का नाम एयर वाटर जनरेटर है। इस वाटर जनरेटर के माध्यम से हवा की नमी से पानी बनाया जाएगा। देश भर से चयनित 7 ATL यानी कि अटल टिंकरिंग लैब स्कूलों ने अपने अपने प्रोजेक्ट के पेटेंट के लिए आवेदन किया था, मगर कई राउंड टेस्टिंग के बाद गया को यह उपलब्धि हासिल हुई। जगनपुर इंस्पेक्टर के ठिकानों पर ईओयू ने की छापेमारी। इन दिनों आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओयू ने अब तक कई लोगों को निशाने पर लेने का काम किया है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से एक और मामला सामने आया है। यह मामला है राजधानी पटना के एक इंस्पेक्टर का, जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगाया गया है, जिनके ठिकानों पर ही आर्थिक अपराध इकाई ने अहले सुबह छापेमारी की और खबर लिखे जाने तक छापेमारी का सिलसिला जारी था। खबरों की माने तो टीम को उनकी नोएडा में भी संपत्ति होने की जानकारी मिली है। 50 साल से ऊपर के जूनियर इंजीनियर्स को हटाने की तैयारी में बिहार सरकार। ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत कनीय अभियंता को कार्यदक्षता के आधार पर हटाया जाएगा। इसको लेकर विभाग ने एक विशेष कमेटी बनाई है। ज्ञात हो ये कमेटी अभियंताओं के काम का मूल्यांकन करने के लिए बनाई गई है। कमेटी गठन की अधिसूचना अभियंता प्रमुख अशोक कुमार मिश्रा ने दी है। इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से पहले ही निर्णय लिया गया है कि कर्मियों को कार्यदक्षता के आधार पर नौकरी से जबरन हटाया जाए, जिसके तहत अब कमेटी उन इंजीनियरों पर नजर रखेगी जिनकी उम्र 50 साल से अधिक होगी। उनकी कार्यदक्षता के साथ ही आचार व्यवहार का अध्ययन भी किया जाएगा। भाजपा के पूर्व सांसद ने बीती रात लालू प्रसाद से की मुलाकात। बिहार में उपचुनाव ने कम ही समय में यहां राजनीतिक उथल पुथल ला दिया है। पहले तो महागठबंधन में दरार आने के बाद कांग्रेस और राजद की दिशा अलग अलग हुई, तो वहीं लंबे समय के बाद लालू प्रसाद का आगमन सियासी चीजों में हुआ। वहीं आज की वोटिंग से पहले बीती रात को भाजपा के एक बड़े नेता ने राबड़ी आवास पहुंचकर और भी हलचलें तेज कर दी। लालू प्रसाद से रात के अंधेरे में मिलने वाले ये नेता भाजपा के पूर्व सांसद आर के सिन्हा है। हालांकि इन दोनों नेताओं के बीच पारिवारिक संबंध भी है, लेकिन शुक्रवार की रात अचानक हुई इस मुलाकात की वजह साफ नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान तेजस्वी यादव और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी भी मौजूद थे। बताते चले कि इससे पहले उपचुनाव में आर के सिन्हा ने एनडीए के पक्ष में ही वोट मांगे थे, मगर चुनाव से पहले रात को हुई बीजेपी नेता और राजद सुप्रीमो की मुलाकात कई सवाल खड़े कर रही है। मंत्री जी ने नीति आयोग से की खास अपील। ऊर्जा और योजना विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने विशेष मदद की मांग के बाद नीति आयोग से बिहार को लेकर खास अपील कर दी है, जिसके तहत विजेंद्र यादव ने आयोग से विशेष दर्जे की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने बिहार की भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है। मंत्री ने नीति आयोग के सदस्य को कहा है कि बाढ़ से जिस प्रकार से हर साल बिहार को नुकसान झेलना पड़ता है, उसको देखते हुए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है। यादव की माने तो उत्तर बिहार के कई जिलों जो कि हर साल बाढ़ अथवा जल जमाव से प्रभावित होते हैं, 2-3 महीनों के लिए लोग दूसरे जगह शरण लेते हैं। बाढ़ से सड़क, पुल, पुलिया और आधारभूत संरचना के साथ सरकारी और निजी संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचता है। वोटिंग से पहले राजद सुप्रीमो ने अपनी जीत का किया दावा। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग प्रक्रिया आज हो गई है, लेकिन वोटिंग से पहले ही बीते दिन शुक्रवार की शाम ही बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सर्वे सर्वा लालू प्रसाद ने जीत की भी भविष्यवाणी कर दी। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद ने यह तक कहा कि राजद के जीतने के बाद नीतीश सरकार का गिरना भी तय है। उन्होंने सरकार गिराने का फॉर्मूला तैयार होने की बात कही है। बताते चले कि लालू यादव सालों बाद बिहार दौरे पर सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव को लेकर आए हैं। वहीं राजद ने भी अपने गठबंधन धर्म को तोड़ते हुए इस दोनों सीटों पर अपना दावा बनाने के लिए जी जान से चुनाव प्रचार किया है। ऐसे में अब लालू प्रसाद भी दावा करते दिख रहे हैं कि उनकी पार्टी की जीत के बाद नीतीश कुमार की पार्टी में भगदड़ मचने वाली है। ऐसे में ये बात तय है कि उपचुनाव के रिजल्ट के
बाद सूबे की सियासत गर्माने वाली है। मात्र 7 गेंद खेलकर ही इस खिलाड़ी ने जीत लिया मैन ऑफ द मैच अवार्ड। पाकिस्तान का यूएई और ओमान में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप में लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करते हुए जीत हासिल करने का सिलसिला लगातार जारी है। पाकिस्तान टीम ने शुक्रवार को भी अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान को 5 विकेट से मात दी और सेमीफाइनल में पहुंचने की ओर कदम बढ़ाया। टीम की इस जीत में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आए आसिफ अली का अहम योगदान रहा, जिन्होंने मात्र 7 गेंदों पर 4 लंबे छक्के जड़कर अपनी टीम को 1 ओवर पहले ही जिता दिया। खास बात यह है कि उन्होंने ये सभी 4 छक्के करीम जनात के एक ही ओवर में बटोरे हैं। उन्हें इस खास प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। जेल से रिहा होने के बाद शाहरुख खान संगमन्नत पहुंचे आर्यन। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज आर्यन खान रिहा हो गए हैं, जिसके बाद वो अपने पिता संगमन्नत पहुंचे। इस मौके पर फैंस ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं दूसरी तरफ बेल ऑर्डर की कॉपी आज तड़के आर्थर रोड जेल पहुंची थी, जिसके बाद आर्यन की रिहाई की सारी औपचारिकताएं पूरी की गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि करीब 3:30 बजे बेल ऑर्डर की कॉपी आने के बाद सेशन कोर्ट ने रिलीज ऑर्डर भी जारी किया था, लेकिन समय से कागज आर्थर रोड नहीं पहुंचा, जिसके कारण बीते दिन उनकी रिहाई नहीं हो सकी थी। लेकिन आज जेल अधिकारियों ने सुबह 5:30 बजे आर्थर रोड जेल की जमानत पेटी खोली तो उसमें आर्यन खान के बेल ऑर्डर की कॉपी निकली। आर्यन को 1,00,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है, जो कि अभिनेत्री जूही चावला ने करवाई। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, ठंड से बचाव के लिए आपके अनुसार कौन कौन से उपाय करने चाहिए? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।